हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम पे बेस्ड है। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम जो कि बीएससी जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि वो एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स का फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रोमेट्री सिस्टम क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर उसके बाद उसके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, उसका फाइलोजिनी, उसका स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में और इसके एंड में इसका क्वेश्चन बैंक भी दूंगी। तो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, पहले तो आप सोच रहे होंगे कि इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है क्या। तो सिंपल से भाषा में समझा जाए तो एनिमल्स ह्यूमंस का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी को बोलते हैं इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। अब आउटर मोस्ट लेयर क्या है, हम लोग ह्यूमंस में तो हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर क्या है, हम लोग का स्किन और उसके ऊपर का हेयर्स, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। और टीथ्स जो है वो भी हम लोग का इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के अंदर आता है, हम लोग का नेल्स भी इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के अंदर आता है, हेयर्स, नेल्स, स्किन, टीथ, सब कुछ इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के अंदर आता। ठीक है, तो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम का आउटर मोस्ट जो सरफेस है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे डर्मिस होता, बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस और डर्मिस को कनेक्ट करता। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग का इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है वो एक कंपोजिट ऑर्गन है जो कि स्किन और उसका डेरिवेटिव्स को इंक्लूड करके बनता। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम ह्यूमंस का लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम या फिर इंटीग्रोमेट्री ऑर्गन। ठीक है, मतलब एक ह्यूमन का 15% ऑफ वेट उसका इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से या फिर इंटीग्रोमेंट से आता, मतलब जो उसका स्किन है उसी से उसका 15% ऑफ वेट आता। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग का एपिडर्मिस है, जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, उसका वो क्या क्या प्रोड्यूस करता, हेयर, फिर उसके बाद बर्ड्स में फेदर, फिर उसके बाद क्लॉज, नेल्स, हम लोग का नेल्स या फिर क्लॉज जो शेर वेयर में होता, और हम लोग का नेल्स और सींग जो कि गाय में होता, हॉर्न्स, और बीक्स, चिड़िया का बीक, चोंच, फिर उसके बाद मच्छी का स्केल्स, फिश का स्केल्स, वो सब एपिडर्मिस से प्रोड्यूस होता। एपिडर्मिस से क्या क्या प्रोड्यूस होता, हेयर, फेदर, क्लॉज, नेल्स, हॉर्न्स, बीक्स एंड सम टाइप्स ऑफ स्केल्स। ठीक है, ये सब क्या से प्रोड्यूस होता है, एपिडर्मिस से। फिर उसके बाद हम लोग का जो डर्मिस है, जो एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता, वो क्या क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करता, कुछ कुछ रेप्टाइल्स में डर्मल बोन्स होता, और वो किसकी मदद से बनता है, डर्मिस की मदद से। और एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम लोग का डेंटिकल या फिर टीथ बनता। हम लोग का टीथ क्या से बनता, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, टीथ। ठीक है, याद रखना। और इंटीग्रोमेट्री सिस्टम का यूजेस या फिर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो बस ऐसा ही समझ लो कि अपने आप को बिना स्किन, बिना चमड़े के इमेजिन करो। सो हॉरिबल, फुफ। तो मतलब वो क्या करता है, हम लोग का शेप और हम लोग का जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करने में हेल्प करता है, बॉडी का स्ट्रक्चर को होल्ड करने में हेल्प करता है, बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कि जो शेप है हम लोग का बॉडी का वो भी इसी की वजह से फॉर्म होता है, जो फिगर या फिर शेप है बॉडी का वो सब भी तो इसी की हेल्प से फॉर्म होता है ना। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक रेगुलेशन, जो पसीना आता है हम लोग के इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के थ्रू, फिर उसके बाद बहुत हम लोग का तो फिर भी नोज़ है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका इंटीग्रोमेट्री सिस्टम की वजह से ही रेस्पिरेशन होता है, स्किन के थ्रू उन लोगों का गैस का एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद वो सब में भी हेल्प करता है, फिर हीट का हीट रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करता है, फिर उसके बाद जो हम लोग सन में जाते हैं तो सन से प्रोटेक्शन, हम लोग को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन कौन देता है, हम लोग का स्किन देता है यूवी रेडिएशन की वजह से, वरना स्किन कैंसर हो जाता है। लेकिन हम लोग के जो स्किन में पिगमेंट्स होता है वो हम लोग को यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमें उसके बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहिए। सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके बारे में हम लोग डिटेल में जाने कि वो उसका ओरिजिन क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका डेरिवेटिव्स क्या है, वो सब के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो
उसका फर्स्ट हम लोग एम्ब्रियोनिक ओरिजिन पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन मतलब जब वो हम लोग अपने माँ के पेट में थे तब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तब जब इंटीग्यूमेट्री सिस्टम बना तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो देखा जाए तो एपिडर्मिस जो लेयर है उसका ओरिजिन हुआ, एम्ब्रियो में एक्टोडर्म लेयर होता है उससे ओरिजिन हुआ एपिडर्मिस का, और एम्ब्रियो में जो डर्माटोम लेयर होता है उससे ओरिजिन हुआ डर्मिस का। तो एपिडर्मिस का डीप इनसाइड एक लेयर होता जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का जस्ट ऊपर रहता है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटम बेसिल। और अगर जनरल फीचर्स में जाए इंटीग्यूमेंट्स का तो डर्मिस के नीचे एक और लेयर है उसका नाम है हाइपोडर्म, मतलब उसका जो आउटर लेयर है उसको तो एपिडर्मिस बोलते हैं जो कि एक एपिथेलियल टिश्यू का बना रहता। एपिडर्मिस और डर्मिस को जो कनेक्ट करता है वो तो उसका नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता, बेसमेंट मेम्ब्रेन का नीचे जो लेयर रहता वो डर्मिस रहता, फिर डर्मिस के नीचे और एक लेयर रहता उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस जो कि स्किन और डीपर टिश्यूज़ को सेपरेट करता, मतलब हम लोग का स्किन जो कि डर्मिस में ख़त्म हो जाता उसको और डीपर टिश्यू उसके अंदर जो टिश्यूज़ रहता उस लोग दोनों को सेपरेट कौन करता, हाइपोडर्मिस। ठीक है, फिर अभी हम लोग एपिडर्मिस को डिटेल में पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस क्या है। तो एपिडर्मिस का डिटेल में जाए, बहुत सारे एनिमल्स में एपिडर्मिस मल्टीलेयर्ड रहता, मल्टीलेयर्ड मतलब उसका बहुत सारा लेयर्स रहता और थिन रहता, पतला रहता, और मल्टीलेयर्स मतलब हर लेयर पतला पतला रहता और मल्टीलेयर्ड रहता लेकिन थिन रहता। और वर्टिब्रेट्स में जो एपिडर्मिस है वो एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो जो स्किन है वो मॉइस्चन मतलब गीला गीला रहता है, जैसा मच्छी का स्किन देखो कभी आप लोग टच करे होंगे तो वो एक मतलब गिलगिला चिप 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 टाइप रहता होगा। तो वो क्या की वजह से होता है, म्यूकस की वजह से होता है। फिश में देखो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इन फिशेस म्यूकस सीम्स टू एफोर्ड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिशेस में वो जो म्यूकस रहता है वो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हेल्प करता है। और उसका फ्लो वाटर में जो उसका फ्लो है उसमें भी उसको हेल्प करता। ठीक है, और एम्फीबियंस में जो म्यूकस होता वो एम्फीबियंस क्या होता है, जो पानी में भी रह सकता है ज़मीन में भी रह सकता है, देखो जैसा मेंढक, मेंढक का भी स्किन देखो एकदम चिपचिपा रहता, एम्फीबियंस का स्किन में भी जो म्यूकस रहता वो भी सिमिलर रोल्स जो फिश का रहता वही एम्फीबियंस का स्किन का म्यूकस का भी रहता, वो उसको फ्लो में हेल्प करता और उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में उनका जो एपिडर्मिस रहता वो एक आउटर लेयर फॉर्म करता जिसको केराटिनाइज्ड या फिर कॉर्निफाइड लेयर्स भी बोलते, और उनका और एक नाम है जो कि स्ट्रैटम कॉर्नियम है। ये लेयर डेड सेल से बना होता। अब आप लोग सोचेंगे डेड सेल आता कहाँ से, तो बेसिकली स्ट्रैटम बेसेल बोल के एक लेयर है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर रहता, वो न्यू सेल प्रोड्यूस करता, माइटोटिक डिवीजन करके नया सेल प्रोड्यूस करता। तो नया सेल बनता है तो पुराना वाला ऊपर जाएगा, तो पुराना वाला को वो ऊपर पुश कर देता और न्यू सेल नीचे रहता, मतलब वो एपिडर्मिस का नीचे में रहता स्ट्रैटम बेसिल का साथ। वो ऑर्डरली फैशन में जैसे जो पहले जितना मतलब पुराना है वो पहले डेड हो जाता फिर उसके बाद डेड होता, एक एक करके ऑर्डरली फैशन में वो डिस्ट्रक्ट करता अपना आपको डेड होता। तो उस वो जो प्रोसेस है उसको केराटिनाइजेशन बोलते हैं क्योंकि डिस्ट्रक्ट होके केराटिनाइज लेयर फॉर्म होता, तो ये जो प्रोसेस है उसको केराटिनाइजेशन बोलते जिससे केराटिन जो कि एक वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होता, और उसका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ केराटिन उसको केराटिनाइजेशन बोलते हैं, और केराटिनाइजेशन का थ्रू ही केराटिनाइज लेयर प्रोड्यूस होता जिसको कि स्ट्रैटम कॉर्नियम भी बोलते। देखो ये फिगर में आप लोगों को स्ट्रैटम कॉर्नियम भी दिखता होगा और स्ट्रैटम बेसिल भी दिखता होगा। तो स्ट्रैटम बेसिल में नया लेयर्स नया सेल्स प्रोड्यूस होता थ्रू माइटोटिक डिवीजन जिसको और पुराना वाला को ऊपर पुश करता, पुश करने के बाद जो पुराना वाला सेल्स है वो अपना आपको डिस्ट्रक्ट करता, वो डिस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस को केराटिनाइजेशन बोलते। केराटिनाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें केराटिनाइज लेयर प्रोड्यूस होता, और वो जो डिस्ट्रक्ट करने के बाद जो हम लोग को डेड सेल बोल लो या फिर जो भी बोल लो वो मिलता वो केराटिन होता, क्यों, क्योंकि वो उसमें वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन होता। समझ में आया। फिर उसके बाद तो स्ट्रैटम कॉर्नियम का ही डिफ्रेंसिएशन की वजह से हम लोग का हेयर्स प्रोड्यूस होता या फिर हॉर्न जो सींग होता उसका शीथ
वो प्रोड्यूस होता, उसका जो अपर लेयर शीत होता वो प्रोड्यूस होता, या फिर हूफ्स प्रोड्यूस होता, या फिर और भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो सब स्टैटम कॉर्नियम का डिफ्रेंसिएशन की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। स्टैटम कॉर्नियम क्या है? केराटिनाइज्ड लेयर, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और जो बाकी जो एपिडर्मल सेल्स है जो नीचे नीचे है वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है, जिस ग्लैंड्स क्या होता, ऐसा सेल जिससे सेक्रीशन होता, तो बाकी जो एपिडर्मल सेल है वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता और उसको ग्लैंडुलर सेल बोलते, ठीक है। तो और जो फिशेज है ना, या फिर एक्विटिक या फिर टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स है, उनका बॉडी में स्केल्स भी होता, वो क्या होता, इंटीग्यूमेंट्स का फोल्ड होता। वो जो इंटीग्यूमेंट्स है वो एक टिपिकल मैनर में जब फोल्ड हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं, स्केल्स, ठीक है। अगर डर्मिस फोल्ड होता और कोई स्केल प्रोड्यूस होता तो उसको डर्मल स्केल बोलते हैं, और अगर एपिडर्मिस की फोल्ड की वजह से स्केल प्रोड्यूस होता तो उसको एपिडर्मल स्केल बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे कि डर्मिस क्या है। तो डर्मिस बेसिकली, डर्मिस का एक स्पेशल कंपोनेंट है जो कि है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और वो जो कोलेजन फाइबर जो कि हम लोग के मसल्स में होता वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ही बना होता है, जो कि डर्मिस का कंपोनेंट है, ठीक है। जो हम लोग के मसल में कोलेजन फाइबर रहता वो भी डर्मिस का ही कंपोनेंट है। फिर उसके बाद जो उसका अपर लेयर है डर्मिस का वो बेसल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ही रहता, जो कि जो अपर लेयर है डर्मिस का वो बेसल मेम्ब्रेन के जस्ट लेयर ही रह जो अपर लेयर है डर्मिस का वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ही रहता। जो डर्मिस का जो अपर लेयर है उसमें लूजली पैक्ड सेल होता है, जिसका नीचे टाइटली पैक्ड सेल होता, और वो जो टाइटली पैक्ड सेल है उसको स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम बोलते हैं। और डर्मिस क्या करता, मसल जो नीचे लाई करता उसको और स्किन को कनेक्ट करके रखता, मतलब हम लोग का मसल से स्किन को कनेक्ट करके रखता। और डर्मिस में और भी क्या क्या कंपोनेंट होता, जो हम लोग का नर्व्स है, जो ब्लड वेसल है, जो स्किन का पिगमेंट्स है, वो सब भी डर्मिस में ही रहता, ठीक है। और हम लोग का बाल देखो एकदम जड़ तक, मतलब बोलते ना एकदम अंदर तक रहता, बाल अटैच रहता, तो अंदर तक अटैच रहता मतलब हम लोग का डर्मिस तक अटैच रहता हम लोग का बाल। फिर उसके बाद अभी हम लोग इंटीग्यूमेट्री ऑर्गन्स का कुछ फंक्शंस देखेंगे कि इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन फ्रॉम डैमेज माइक्रोब्स एंड एब्रेशंस। इट इज़ द फर्स्ट डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन। फॉर इंस्टेंस इन अवर स्किन देर आर टाइनी ऑयल ग्लैंड्स दैट इन्हेंसेज द बैरियर फंक्शन। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। मतलब ये चीज़ तो सबको पता है कि हम लोग का स्किन जो है वो हम लोग को माइक्रोब्स और डैमेज सबसे प्रोटेक्ट करता, और इम्यून सिस्टम का भी फर्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क भी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस, मतलब इन्फेक्शन से जो फर्स्ट डिफेंस है वो भी हम लोग का स्किन का, वो भी डिफेंस का काम हम लोग का स्किन ही करता, कि फर्स्ट जो डिफेंस का काम है वो स्किन करता, वो माइक्रोब्स का एंट्री को रोकता। फिर उसके बाद आगे का काम तो अंदर का इम्यूनिटी सेल्स करता, फिर और हम लोग का स्किन यूवी रेडिएशन से भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता। यूवी रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट तो पता ही है कि जिससे हम लोग को स्किन कैंसर होता और भी स्किन इन्फेक्शन होता, तो वो सब से भी हम लोग का स्किन हम लोग को प्रोटेक्ट करता। सोचो अगर वो डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन में जाके अटैक करेगा तो कितना हार्मफुल होगा, तो स्किन उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता थ्रू सम पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स होता हम लोग का स्किन में उसका हेल्प से हम लोग को प्रोटेक्ट करता, ठीक है। तो वो क्या का फंक्शन है, इंटीग्यूमेंट्स का। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट रिसीव्स एंड कंडक्ट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टच, केमिकल एंड टेम्परेचर टू द नर्वस सिस्टम। वो क्या करता, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब टच, हम लोग टच करते तो हम लोग का नर्वस सिस्टम पता चल जाता है कि कोई हम लोग को बुलाता है। फिर उसके बाद कोई हम लोग को मारता, थप्पड़ मारता तो हम लोग का स्किन में लगता, लेकिन हम लोग को गुस्सा कहाँ आता, दिमाग में और पूरा बॉडी में एड्रेनलिन रश हो जाता, गुस्सा आ जाता कि वो मेरे को कैसा मार दिया, तो वो स्किन का थ्रू होता। स्किन का थ्रू ही स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्सेस फिर पूरा नर्वस सिस्टम में फैलता, ठीक है। तो फिर अगर नेक्स्ट बार कोई हम लोग को थप्पड़ मारे तो सोच लेना कि इंटीग्यूमेंट में इफेक्ट हुआ और वो सिग्नल दे दिया नर्वस सिस्टम में, इसीलिए हम लोग को गुस्सा आया। ओके,
नेक्स्ट है रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स. फॉर इंस्टेंसेस द स्किन रेगुलेट्स द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन मोस्ट मैमल्स बाय स्वेटिंग. देखो हम लोग को जब गर्मी लगता तब पसीना आता, तो वो क्या करता, पसीना क्यों आता, हम लोग का स्किन का टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए. तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी कौन करता, हम लोग का इंटीग्यूमेटरी सिस्टम या फिर हम लोग का स्किन. ठीक है, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर लॉस जो होता है टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में, उससे भी हेल्प करता कि स्किन का थ्रू भी ना और एटमॉस्फेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता. जब हम लोग के पास दूर दूर तक कहीं पानी नहीं होता ना, तब बॉडी का जो स्किन है वही ये काम करता, वो क्या करता स्किन के थ्रू पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेता, क्योंकि पीने को पानी तो है नहीं, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में है उसी का थ्रू वो पानी का इंतज़ाम कर लेता हम लोग का बॉडी के लिए. जैसा कि अभी सोचो हम लोग कोई ठंडा या फिर पानी बारिश वाला जगह में है, ह्यूमिडिटी वाला जगह में है, तो वहाँ देखो हम लोग को ज़्यादा प्यास नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग का बॉडी भी वहाँ से पानी अब्जॉर्ब किया रहता. लेकिन वही जगह अगर हम लोग कोई ड्रॉट एरिया या फिर कोई बारिश का एरिया या फिर राजस्थान चले जाओ या फिर कोई गर्मी वाला जगह चले जाओ, तो वहाँ हम लोग को बहुत प्यास लगता. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में भी नहीं रहता, तो ना स्किन से एब्जॉर्प्शन होता पानी का और ना हम लोग को पानी पीने को मिलता, तो उसका वजह से फिर वहाँ पे हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता. तो इसी तरह हम लोग को डिहाइड्रेशन से बचाता हम लोग का स्किन. ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन मेनी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, मे बी द ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन सम एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स. जैसे हम शुरुआत में बोली थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें स्किन से ही रेस्पिरेशन का भी काम होता, तो उनके लिए स्किन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम लोग का लंग्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट, हम लोग का नोज हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट, वैसे हम लोग के लिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट. हम लोग के लिए स्किन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका डबल रोल करता, तो उन लोग के लिए डबल इंपॉर्टेंट है उन लोग का स्किन. ठीक है, वैसे स्किन ये रोल भी प्ले करता वर्टिब्रेट्स में. फिर गिरगिट होता है जो रंग बदलता, उसका रंग बदलने में कैमोफ्लेज होने में भी स्किन हेल्प करता कि वो उसको छुपा देता, मतलब उसका कलर की वजह से वो कैमोफ्लेज हो पाता है. या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनका देखो कलर ग्रीन रहता, ग्रीन स्नेक जिनका स्किन का कलर ही वैसा रहता कि वो उसको कैमोफ्लेज कर लेता वो पेड़ के साथ, वैसा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म रहता. तो वैसे ऑर्गेनिज्म का भी कैमोफ्लेज होने में, छुपने में, अपना प्रेडेटर से छुपने में सब उसका स्किन हेल्प करता. तो सोचो कितना प्रोटेक्शन का काम करता वो स्किन. ठीक है, तो मतलब ये स्किन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका केयर करिए, स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो करिए और अपना केयर करिए, अपने स्किन का केयर करिए. खुद सेफ रहिए, घर पे रहिए अभी कोरोना के टाइम पे, और स्टे हेल्दी स्टे सेफ और पढ़ते रहिए, स्टे फोकस, जो बनना है उसके लिए मेहनत करिए. अपने घर से ही हम लोग सब मिल के मेहनत करेंगे. इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, ये फर्स्ट पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ इसी के साथ. और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, स्टे कनेक्टेड. और कुछ भी अगर आपका सजेशन होगा, कुछ भी आपका डिमांड होगा, कुछ भी आपको डाउट होगा, तो सब कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. थैंक यू, बाय बाय.